Assalamualaikum, मैं हूँ निलोफर शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी खुश होंगे। ये वीडियो मैं बना रही हूँ सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, उन बॉयज के लिए जो लोग मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखे हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। वो जानते हैं कि उनके काम का यहाँ पे कुछ नहीं है, बट फिर भी वो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे सब्सक्राइब करके रखा, इट्स बातें मेरे लिए। सो आज के वीडियो में बनाने वाली हूँ एक हेयर ऑयल के लिए। देखो, आई थिंक बाल छोटे हो या बड़े डजेंट मैटर, लेकिन बाल प्रॉब्लम फ्री होने चाहिए। अगर जिनको डैंड्रफ प्रॉब्लम है प्लस बाल झड़ रहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है, मैंने ऐसे बहुत सारे बॉयज़ देखी है अपनी लाइफ में जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली बॉयज़ के लिए है कि वो लोग इस हेयर ऑयल को बनाएं और अपने प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। देखो, ये ऑर्गेनिक चीज़ है और किसी भी तरह की ऑर्गेनिक चीज़ आपको विद इन अ वीक में आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आप जब ये हेयर ऑयल यूज़ करेंगे तो इसके सेकेंड यूज़ में आपको पता चल जाएगा कि ये आपको कितना बेनिफिट है। तो ये हेयर ऑयल हम डैंड्रफ के लिए, प्लस अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं, फ्रिजीनेस से बालों में शाइन नहीं है, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली हेयर फॉल के लिए है। तो मेरे पास है ये हेयर ऑयल जो मैंने इसे बनाया है। मैंने इसे मतलब आप इसे बनाए और यूज़ कर ले, इसे प्रिजर्व करके ना रखें, बहुत ही इजीली बन जाता है। तो हम पहले चेकआउट कर लेते हैं कि इसे बनाना कैसे, बाद में मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। ओके, सो हेयर ऑयल बनाने के लिए हमें लगेगा फेनोग्री सीड्स। मेरे पास ये फेनोग्री सीड्स है, तो उसका मैंने पाउडर बना के रखी हूँ। अगर आप लोगों के पास ये वाला अवेलेबल नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई अच्छे ब्रांड का आप फेनोग्री सीड्स का आप पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो ऑयल बनाने के लिए हमें लगेगा एक स्पून जितना, या आपके बालों की लेंथ और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको कितना ऑयल लगेगा। मैं यहाँ पर ये एक स्पून ले रही हूँ हेयर फेनोग्री सीड्स का। तो मैं लूँगी कैस्टर ऑयल, ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट कलर का है। अगर आप लोगों के पास ब्लैक कैस्टर ऑयल होता है तो भी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे ऐड करूँगी हमारे हेयर ऑयल के लिए। सो नाउ आई एम एडिंग अ रोज मैरी असेंशियल ऑयल, ये हमारी ग्रोथ में थोड़ी हेल्प करेगा। तो मैं इसे यूज़ करूँगी और सम ड्रॉप ऑफ असेंशियल ऑयल, इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी है, तो हम इसे ऐड करेंगे। ओके, इट्स इनफ। सो नाउ मिक्स इट ऑल और हम इसे एटलीस्ट 5 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ देंगे। तो हम इसे कर देते हैं पैक। सो नाउ इसे हमें लगाना है। देखो, इसमें कैस्टर ऑयल है तो ये आपके बहुत ही मतलब बालों से जल्दी ऑयल निकलता नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसे लगाने के बाद जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको एक अच्छे वाले शैम्पू से वॉश करना है ताकि आपका ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। इसे हमें रात में लगाना है और हमें इसे रात भर के लिए अपने बालों पर काम करने के लिए छोड़ना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्कैल्प से, हम स्कैल्प से इसे स्टार्ट करेंगे। जस्ट मिक्स इट ऑल, इसमें किसी भी तरह का ग्रैनुल्स नहीं होना चाहिए वरना ये आपके बालों में फंस सकता है। शुड ऑयलिंग ऑन योर स्कैल्प, इसे अच्छे से मसाज दे। बॉयज़ के बाल तो वैसे ही छोटे होते हैं तो उन्हें टाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉयज़
सोचते रहना कि बाल क्यों झड़ रहे हैं, वक्त से पहले गंजा जैसा लग रहा है, तो सोल्यूशन नहीं है। ये टाइम है कि आप खुद के लिए कुछ करें। आपके घर में आपकी मॉम होंगी, भाभी होंगी, दीदी होंगी, आपकी वाइफ होंगी, आपकी बहन होंगी, कोई ना कोई आपको हेल्प ज़रूर करेंगी। अदरवाइज अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो मैं यहाँ हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स करिए, और चाहे तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड रिप्लाई। गर्ल्स प्लीज़ हेल्प देम, आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपके फादर, जो भी हो वो लोग कहे, हम वो लोग हमसे नहीं कहते कि हमें ऐसी चीज़ें चाहिए, बट हमें हम जानते हैं कि उन्हें नीड है थोड़ी केयर की, तो ध्यान दो उन पर और ऐसे DIY उन पर करते रहे ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिले और उन्हें भी अच्छा लगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इसके रिगार्ड्स में कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।